नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत सीमा पार से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अडिग। भारत ने शांतिपूर्ण वार्ता और राजनयिक माध्यम से यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाधान का रुख दोहराया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 20 करोड़ रुपए के पानी बिल घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया के 8 वर्ष पूरे। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। और पुरुष क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 मैच आज शाम हैदराबाद में। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के केरल दौरे पर आज सुबह कोच्चि पहुंचे। वे अर्नाकुलम के चेंगमनाड में श्रीरंगम सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने बताया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये देश के डिजिटल बदलाव और संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तकनीकी प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमन और धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल और वोडाफोन आइडिया इंडिया के प्रमुख रविंदर टक्कर भी इस आयोजन में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से 1 से 4 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन करेंगे। ये सम्मेलन वर्तमान प्रौद्योगिकी के विकास और भविष्य में व्यवसाय की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत सीमा पार से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अटल है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि कारण चाहे कोई भी हो, आतंकवाद की किसी भी गतिविधि का कोई औचित्य नहीं है। जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकवादियों का बचाव किया है, वे न तो अपने हितों की रक्षा की और न ही अपनी प्रतिष्ठा बचाई है। The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicized the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. यूक्रेन के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए भारत ने शांतिपूर्ण बातचीत और राजनयिक माध्यम से संघर्ष के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में कहा था कि भारत
इस संघर्ष को लेकर चिंतित है और इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के दायरे में और बाहर से भी सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. We believe and advocate that this is not an era of war or of conflict. On the contrary, it is a time for development and for cooperation. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पिछले 75 वर्ष में भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद ने भारत को एक निर्धन देश बना दिया था, लेकिन आज वह विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में समान भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड और आपदा समायोजी बुनियादी ढांचा पहल के अंतर्गत अन्य साझेदारों के साथ प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। योजना में गरीब परिवारों को वार्षिक रूप से 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य देशभर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में ये योजना शुरू की थी। गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पहले वे जम्मू पहुंचेंगे और अगले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के बाद राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग और कई अन्य परियोजनाओं के अलावा जम्मू अखनूर पुल का उद्घाटन करेंगे। श्री अमित शाह 2 अक्टूबर को बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह बाद में श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें घुसपैठ की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियान की समीक्षा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री शाह ने बिहार के किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल SSB के शिविर में फतेहपुर, पिंटोला, बेरियामगाछी और रानीगंज स्थित 5 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का कल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए भारत के आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है? अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए। RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरो इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और DD के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाए ढेरो इनाम। जागृति का कहना है कि ग्राहक अब स्वयं अथवा अपने वकील या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो।
प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड, एक बैंक और निजी कंपनी के खिलाफ पानी बिल में 20 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को जल बोर्ड, निजी कंपनी और बैंक अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जल्द से जल्द पैसों की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ये मामला 2019 में इस आरोप के बाद सामने आया था कि उपभोक्ताओं से लिए गए पानी बिल के पैसे जल बोर्ड के बैंक खातों में जमा नहीं कराए गए। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 25 सितंबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण तथा निवेश स्थल के रूप में बदल रहा है। यह पहल विश्व भर में निवेशकों को नए भारत के विकास गाथा में भाग लेने का अवसर देता है। देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति लागू की है, जहां अधिकांश क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुले हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह वर्ष 2014-15 में जहां 45.15 अरब डॉलर था, वह वर्ष 2021-22 में बढ़कर सबसे अधिक 83.6 अरब डॉलर हो गया। वहीं 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। इस पहल के अंतर्गत गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हुए भारतीय व्यवसाय का लक्ष्य है कि जो उत्पाद मेक इन इंडिया है वे मेड फॉर द वर्ल्ड भी हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत सीमा पार से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अडिग। भारत ने शांतिपूर्ण वार्ता और राजनयिक माध्यम से यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाधान का रुख दोहराया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 20 करोड़ रुपए के पानी बिल घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के दिए आदेश। सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया के 8 वर्ष हुए पूरे। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती और पुरुष क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज शाम होगा हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देशभर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। वस्तु और सेवा कर GST लागू होना भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एक कर GST में समाहित करने से व्यापक या दोहरे कराधान के दुष्प्रभाव काफी हद तक दूर हुए और सामान्य राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को भव्य समारोह में 1 जुलाई 2017 से GST लागू कर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए ये क्रांतिकारी कर प्रणाली है।
श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी केवल कर सुधार नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है, जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए। उपभोक्ताओं के लिहाज से वस्तुओं पर कर का समग्र बोझ घटना सबसे बड़ा लाभ है। इसके साथ उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष करों का वास्तविक बोझ अधिक पारदर्शी हो गया। जीएसटी के कारण उत्पादन तथा वितरण की मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स पूरी तरह निष्क्रिय होने से भारतीय उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी हुए। इससे अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक से औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिला। ई वे बिल शुरू होने से देश भर में वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित हुआ। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मनोज राउत ने कहा है कि जीएसटी से कई तरह के जटिल अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था के स्थान पर सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रणाली की शुरुआत हुई है। जीएसटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव मेजर, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इन द रिसेंट पास्ट। दिस विल बी वन ऑफ द गेटवे टू द रिफॉर्म मेजर्स एज फार द टैक्सेशन इन आवर कंट्री इज कंसर्न, एंड वी हैड सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड यू नो टैक्स इश्यूज एंड मेनी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स दे हैव बीन स्ट्रगलिंग यू नो सिंस इट्स इंडिपेंडेंट, एंड इफ यू लुक एट यू नो आवर पॉपुलेशन 1.4 billion population and still there are only 8 and some odd number the taxpayers. So now the question is, and so every individual, the citizen has equal right, and how to really everyone, every individual contributes to our nation building. So this is the GST, it's one of the innovative measure and that has come into force. I think we have to do lot more in the coming years and making every individual, every corporate house, every industry that to be accountable and how they can contribute effectively, and this will help to our nation building. GST के कार्यान्वयन से पहले भारतीय कर प्रणाली में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। भारत ने अनूठी संघीय प्रकृति के कारण दो जीएसटी का मॉडल अपनाया। इस मॉडल के अंतर्गत कर सामान्य आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लगाए जाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी और राज्यों द्वारा लगाए गए जीएसटी को राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां इसे केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी यानी यूटीजीएसटी कहते हैं। जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया है। इससे निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग तथा आम उपभोक्ताओं को बहुत अधिक फायदा हुआ है। जीएसटी से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला है। इससे भारत में कारोबार करना आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। जीएसटी से एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों पर एक चर्चा। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और पत्रकार चेतन चौहान। नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है मिस्टर तनेजा। हम बात करेंगे क्लीन डेवलपमेंट फोरम का। तनेजा जी, इसमें जो भारत ने पिछले 7-8 सालों में क्लीन एनर्जी में प्रगति की है, किस तरह का बदलाव आया है? आज अगर आप विश्व के धरातल पे देखते हैं, वो देश जिन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन करने का की ओर बढ़े हैं, मतलब कुल मिला के जहां पहले फॉसिल फ्यूल्स अर्थात तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले पे ही लगभग भारी निर्भरता होती थी, कई देशों में 100% ही होती थी, अब उनकी यात्रा शुरू हुई है कि जो ऊर्जा है वो ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, जिससे कि
हवा में प्रदूषण कम हो, नदियां जो हैं उनमें प्रदूषण ना जाए, जो हमारी मिट्टी है उसमें प्रदूषण ना जाए, वो कंटेमिनेट ना हो। तो ये ग्रीन एनर्जी की जो यात्रा है, अगर आप उठा करके देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, खासतौर से पिछले 7-8-6 साल के अंदर, और दुनिया के तमाम देशों को आप देखते हैं, वो देश जिन्होंने ग्रीन एनर्जी की तरफ और ग्रीन एनर्जी के विकास की तरफ सबसे अधिक प्रगति करी है, उनमें भारत जो है बिल्कुल आगे आपको नजर आएगा। खास तौर से अगर आप देखें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इसके अलावा हाइड्रो पावर, मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इन तीनों क्षेत्रों में भारत ने जितनी तरक्की करी है, प्रगति करी है, उसको लेकर के पूरा विश्व जो है अचंभित भी है और साथ साथ भारत की जो है प्रशंसा भी कर रहा है। खास तौर से सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में आज से अगर आप 2013-2014 में उठा करके देखते हैं तो हमारे यहाँ नाम मात्र का सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण होता था, मतलब 3200 मेगावाट तक नहीं होता था। और पूरी दुनिया भारत को कहा करती थी कि भाई आपके यहाँ तो इतना सूरज हमेशा रहता है, लगभग पूरे साल रहता है, सोलर रेडिएशन भी आपके यहाँ अच्छा है और आप उस पर क्यों काम नहीं करते हैं। तो वहां जहां दुनिया हमको कहती थी आप कुछ करते नहीं है, और आज ये है कि हम एक तरीके से सौर ऊर्जा में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, और नेतृत्व जो है इस तरीके का है कि आज जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व की, जिसका काम है कि सौर ऊर्जा का प्रमोशन करना और विकास करना, उसका हेडक्वार्टर भी आज भारत में, दिल्ली के पास गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है, और भारत और फ्रांस दोनों इसका नेतृत्व करते हैं। और भी बात करना चाहूंगा कि आने वाले सालों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी उस पर इंसेंटिव दे रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आए और हमारा जो है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल, उस पर डिपेंडेंस कम होता जाए। बिल्कुल आपने देखिए ठीक कहा, लेकिन इसमें एक चीज का हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो ये कि इलेक्ट्रिक कार चलेगी, इलेक्ट्रिक से जो है वो हमारा जो एमिशन कम हो जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी हद तक हम उसको कम कर पाएंगे अगर पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए तो भी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है बिजली का निर्माण कहां से होगा। बिजली का निर्माण के लिए तो ईंधन चाहिए, बिजली अपने में तो ऊर्जा नहीं होती है, बिजली किसी हमको या तो गैस चाहिए या कोयला चाहिए या अणु चाहिए या सूरज चाहिए, हमको कुछ न कुछ चाहिए उसके निर्माण के लिए, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के अंदर आज हम देखें हम दुनिया के 30वें सबसे बड़े आज बिजली के उत्पादक देश हैं, हम लगभग 4 लाख मेगावाट बिजली का निर्माण आज की तारीख में कर रहे हैं। शहरों का आपने जो जिक्र किया कि आपको ज्यादा सोलर पैनल नजर नहीं आते, उसकी सबसे बड़ी जो है ये है कुछ शहरों के अंदर, कुछ राज्य सरकारों में अभी थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सुस्ती है, जो स्कीम है, जो विजन है सेंटर का, वो भी इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ जो शहर के लोग हैं खासतौर से जो मध्य वर्ग है, उनकी तरफ भी थोड़ा सुस्ती है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक बात कन्हैया जी जो ये भी आती है, जो जैसे प्रधानमंत्री ने पीछे जब ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें नेट जीरो का टारगेट दिया कि 2070 तक भारत नेट जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जितने हम मिशन करते हैं उतना हम सेव भी करेंगे, तो भारत से कोई मिशन टोटलिटी में एब्सोल्यूट टर्म्स में अमिट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है भारत के लिए, तो ये जो जर्नी है अगले 7-8 साल की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत की जो चुनौतियां हैं, जो भारत के विकास की चुनौतियां हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, उसमें हम तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉसिल फ्यूल है या जो कन्वेंशनल एनर्जी है हम उसको एकदम तिलांजलि दें, वो भारत के लिए संभव नहीं है। तो हमको दोनों दिशा में काम करना है, और तेल का उत्पादन भी करना है, प्राकृतिक गैस का भी करना है, कोयला चूंकि हमारा अपना है काफी हद तक, उसका भी खनन हमको और करना है, पर वो इसलिए करना है जिससे जो हमारा 2070 का टारगेट है हम वहां पहुंच सकें। 2070 का नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए भारत को आने वाले 20-25 साल फॉसिल फ्यूल और कन्वेंशनल एनर्जी उसका भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हम जल्दी से उस मंजिल पर पहुंच सकें जहां हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रीन हो सके और ग्रीन एनर्जी के ऊपर आधारित हो। कन्हैया जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत ने जो ट्रांजिशन किया है कोल से, फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी सिस्टम की तरफ, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट में हो, पैसेंजर व्हीकल्स में हो, चाहे वो सूर्य ऊर्जा में हो, विंड एनर्जी में हो, बहुत तेजी से हम जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले सालों में हम इस स्पीड को बढ़ाएंगे, और इस स्पीड के बढ़ने से हमारा वातावरण भी बेहतर होगा और प्लेनेट को बचाने में मदद भी करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों पर चर्चा, भाग ले रहे थे इसमें ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और पत्रकार चेतन चौहान। और अब क्रिकेट की खबरों के साथ आ गए हैं निखिल कुमार।
महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। लॉर्ड्स में कल भारतीय टीम ने तीसरे और अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को 16 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 45 ओवर और 4 गेंद में 169 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने नाबाद 68 रन और स्मृति मंधाना ने 50 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 44वें ओवर में 153 रन पर ही सिमट गई। रेणुका सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। झूलन गोस्वामी और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2-2 और दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया। झूलन गोस्वामी का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उसकी जमीन पर हराकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। उन्होंने 12 क्रिकेट टेस्ट मैच, 205 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 68 20-20 मैच खेले हैं। 39 वर्षीय झूलन ने कुल 355 विकेट लिए हैं और वे भारत की महानतम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20-20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा तथा अंतिम मैच आज हैदराबाद में होगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। शुक्रवार को दूसरा मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था, जबकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। आज के मैच से खिताबी जीत का फैसला होगा। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में हल्की बारिश, कोलकाता और चेन्नई में तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू और श्रीनगर में गरज के साथ बारिश या आंधी आ सकती है। मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। गुवाहाटी, अगरतला और शिलांग में 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। गैंगटॉक में तेज बारिश की संभावना है। तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और मुनीषा, वहां बताया आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका जी, आज का तो कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, सबसे बड़ी खबर है देश विरोधी गतिविधियों के लिए पीएफआई के षड्यंत्रों का खुलासा। राष्ट्रीय सहारा की तो सुर्खी है पीएफआई के निशाने पर थे मोदी। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है एनआईए और ईडी की रिमांड रिपोर्ट में कई खुलासे। लोकसत्य लिखता है अदालत में ईडी ने कहा बिहार में निशाने की साजिश थी, ट्रेनिंग कैंप भी लगाए। हरिभूमि ने इस खुलासे पर सुर्खी दी है पॉपुलर फ्रंट के निशाने पर थे प्रधानमंत्री, यूएई और सऊदी अरब से मिले थे 200 करोड़। देशभर में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरूआत की खबर कई अखबारों ने दी है। राजस्थान पत्रिका ने इसे संचार क्रांति का नया दौर बताते हुए लिखा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में होगा एक बड़ा बदलाव। दैनिक ट्रिब्यून ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्यान्न और ईंधन की बड़ी कीमतों को विश्व की सबसे बड़ी चुनौती होने के भारत के दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। लोकसत्य ने महासभा की बैठक में विदेश मंत्री के इस बयान को प्रमुखता से छापा है कि हमारे लिए ये दुनिया एक परिवार की तरह है। अखबार कहता है भारत ने दुनिया को अपनी सामर्थ्य का एहसास करा दिया है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है कि यूएन में भारत के जवाब से तिलमिला गया पाकिस्तान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पर भी आज के अखबारों की नजर है। और मौसम की चर्चा करते हुए नवभारत टाइम्स कहता है मॉनसून लेट लतीफ, 25 को जाना था लेकिन अब अक्टूबर में होगी विदाई। जनसत्ता ने लिखा है आज से दिल्ली में तेज बारिश के थमने की संभावना। और राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने पर विदेश मंत्रालय के परामर्श का जिक्र है, लिखा है थाईलैंड और दुबई में कैद कर युवाओं से करवा रहे हैं मजदूरी, नौकरी के फर्जी झांसे से सतर्क रहने को कहा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर 2 खिलाड़ियों का जिक्र चित्र सहित किया गया है। भावुक विदाई शीर्षक से पत्र ने लिखा है आखिरी क्रिकेट मैच में झूलन गोस्वामी और टीम हो गई भावुक। उधर टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर के आखिरी मैच में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी राफेल नादाल के छलके आंसू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत सीमा पार से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अडिग। भारत ने शांतिपूर्ण वार्ता और राजनयिक माध्यम से यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाधान का रुख दोहराया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ
20 करोड़ रुपए के पानी बिल घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया के 8 वर्ष पूरे। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।